मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि मैट्रिसेस क्या है, उसका एडिशन कैसे करते थे, सब्ट्रैक्शन कैसे करते थे, या मैट्रिसेस में स्केलर से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते थे। आज हमें प्योर मल्टीप्लिकेशन सीखना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो बहुत छोटी चीज़ है, समझना ध्यान से। अभी आपके पास एक मैट्रिक्स सपोज करो दे रखी है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। जरा इसका ऑर्डर बताओ कितना है, ध्यान से देखो ऑर्डर इसका कितना है। ऑर्डर के लिए हमारे पास होना चाहिए रो और कॉलम। हम लोगों ने बात करी थी ना कि कितनी रो है कितना कॉलम, यही तो ऑर्डर होता था। कितनी रो है, दो रो हैं और दो ही हमारे पास क्या है, कॉलम, ठीक। थोड़ी देर के लिए हम मान के चल रहे हैं कि इसको हम एम बाई पी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। एम हमारा रो हो गई टू है, पी बल्कि एम बाई पी ना बोल के इसको एम बाई एन कर लेते हैं, ठीक है ना। और एन हमारे पास कितना है, टू, यानी कॉलम हमारे टू हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं, वो है 0, 1, 2, 5। जरा इसका ऑर्डर नोट कर लें कितना है, 2 बाई 2, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम पढ़ देंगे एन बाई पी, कोई दिक्कत। अरे भाई इस एन रो है और पी हमारे कॉलम है, ये चीज़ ठीक है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, अभी हम बात वो नहीं कर रहे हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, अभी हम एक ये मान के चले कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा, उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारे पास जो सिमिलर टर्म है ना, इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास ऑर्डर कितना आने वाला है, एम बाई पी। सिमिलर टर्म को रिमूव कर देंगे, हमारे पास ऑर्डर कितना आ जाएगा, एम बाई पी। एम कितना हमारे पास, 2, और p हमारे पास कितना, 2। तो यानी इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो उसका ऑर्डर निकल के आएगा वो ऑर्डर कितना होगा, 2 बाई 2। ये बात क्लियर है ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे पॉसिबल है, क्या है कंडीशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो ए बी का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है, तो ए बी का मल्टीप्लीकेशन कब एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए बहुत इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हम नंबर ऑफ कॉलम इन रो इन कैप इन मैट्रिक्स ए देखेंगे, यानी ए मैट्रिक्स के कॉलम देखेंगे, और नंबर ऑफ रो इन बी मैट्रिक्स। अगर ए के कॉलम और बी की रो, उनके नंबर अगर सेम है तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। जरा कॉलम पढ़ो, ए के कितने, 1, 2, ठीक है। जरा रो में देखो, बी में कितनी रो हैं, 1, 2, हाँ ये पॉसिबल है। यहाँ पे ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये मैट्रिक ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। सपोज करो अगर हम इस तरीके से लिख दें 1, 2, 3, एक मैट्रिक्स ये ले रहे हैं और दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 2, 4, 5, हम कह रहे हैं क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम ए की कॉलम गिनेंगे, कॉलम कितनी, इसमें ए में कितने कॉलम है, सिंगल कॉलम है, इसमें कितनी रो है, सिंगल रो है, हाँ इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ए का कॉलम यानी नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी आपके इक्वल आ रहे हैं। ये हमारी बात समझ में आ रही। अगर सपोज करो ऐसे हम लिख दें इसको 1, 2, 3, एक हमने ये ए मैट्रिक्स ली और दूसरी मैट्रिक्स हम ले लें एक्स वाई जेड। अब जरा देखो क्या ये पॉसिबल है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो जरा देखो इसमें कॉलम कितने, 1, 1 कॉलम है और इसमें भी नंबर ऑफ रो 1 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ये बात हमारी क्लियर है। अब हम लोग, ये तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया, अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करें कैसे, किस तरीके से उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए अब इसी का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और कैसे मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हमें पढ़ना। सपोज करो इसी मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं, हमारे पास मैट्रिक्स सेम रखी है ए और बी, इसका आपसे मल्टीप्लिकेशन मांगा जा रहा। चलिए ए बी हमें निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 और बी आपके पास है 0, 1, 2, 5, ठीक।
आप ऐसा नहीं करेंगे जो जहाँ एलिमेंट है उसी जगह मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखना, हमें पहला कॉलम लेना है और पहली रो लेनी है। बहुत ध्यान से देखो, सेकंड मैट्रिक्स की पहला कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का पहली रो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इंटू वन, फिर प्लस का साइन लगाएंगे हमेशा, फिर टू इंटू टू। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कॉलम वही रहेगा, अब रो हमारी बदल जाएगी, अब रो आ जाएगी हमारी सेकंड रो आएगी, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया, अब रो आ जाएगी हमारी सेकंड, तो जीरो इंटू थ्री प्लस फोर इंटू टू। ये चीज़ क्लियर है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं जिससे कि हमें और चीज़ें आसानी से क्लियर हों, ठीक। यहाँ से भी क्योंकि देखो पहले कॉलम का काम हो चुका है तो यहाँ से इसका काम, अब सेम ऑपरेशन हम सेकंड कॉलम के साथ में करेंगे, सेकंड कॉलम और पहली रो उसका मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू वन प्लस टू इंटू फाइव, इसका काम हो चुका है, इसको हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो से वन इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फाइव, अब इनका जो आपका रिजल्ट आ जाए वो आप इसमें ऐड कर देना, जीरो ये तो जीरो आएगा, जीरो प्लस फोर तो फोर आने वाला है, ठीक है, ये जीरो इंटू थ्री जीरो ये एट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेना, ये टेन हो गया, ये इलेवन बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा बीस और ट्वेंटी थ्री, तो ये आपका आसानी से ए बी मल्टीप्लीकेशन आ गया। ये चीज़ क्लियर है ना कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इस क्वेश्चन को बार बार आप देखिएगा इसको, तो चीज़ें आपको और क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलो सेकंड को, अच्छा दो क्वेश्चन और हम लोगों ने लिख रखे हैं, इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे कि जो हम लोगों ने अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है क्या मल्टीप्लिकेशन उस तरीके से उसमें पॉसिबल होगा। एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है ए इज इक्वल टू है ए बी सी और डी, और बी हमारी मैट्रिक्स है वो है ए बी सी और डी, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बात क्या करी थी कि पहला कॉलम लेंगे और पहली रो लेंगे, यही तो बात करी थी, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो से, तो ए इंटू ए प्लस का साइन, बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी डी इंटू डी, इसको जब सॉल्व करो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो एक सिंपल सा आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। हमें ये भी देखना क्या मल्टीप्लिकेशन ये भी पॉसिबल था, देखो ए में कितने कॉलम है वन टू थ्री फोर, और बी में उतनी रो होनी चाहिए, फोर रो होनी चाहिए, वन टू थ्री फोर, तो पॉसिबल है।